गरीब वर्सेस अमीर बिरयानी चैलेंज। कीसरा गांव में बाबू नाम का एक गरीब था। वो गांव में छोटे छोटे काम करके उनके दिए हुए खाना खाता था। रोज मंदिर में सो जाता था, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता था। एक दिन एक स्वामी जी उसका हाथ देखकर, ओहो, तुम्हारी दरिद्रता इस साल खत्म हो जाएगी, तुम इस साल करोड़पति बनने वाले हो, ये पक्का है, कोई इसे रोक नहीं सकता। ये सुनके बाबू चौंक जाता है। एक बार बाबू पास वाले गांव जाता है, बारिश की वजह से और अंधेरा पड़ जाता है। बाबू भागते हुए एक धनवान के घर के सामने जाता है। उसे खिड़की में से देखते हुए करोड़पति, मैंने सुना है कि आसपास के गांव में एक अमीर नौजवान भेष बदल के अपने लिए लड़की ढूंढने खुद जा रहा है। ये वही लड़का होगा, इतना अमीर होके भी गरीब होने की एक्टिंग बढ़िया कर रहा है। अगर वो चाहे तो लड़कियों की लाइन लगा सकता है अपने घर के सामने, लेकिन ये लड़की ढूंढते हुए ऐसे क्यों जा रहा है? जो भी हो, मेरी बेटी की शादी इस लड़के से ही करवाऊंगा, सोचकर बाहर जाता है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे आज रात के लिए आपके वरंडा में सोने दोगे? बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। अमीर गरीब कुछ नहीं होता बेटा, आइए हमारे घर के अतिथि बनिए। उसकी बेटी परिमला खाना परोसती है। बाबू जल्दी जल्दी अपनी पूरी बिरयानी खा लेता है। भूख का मारा वो जमींदार के प्लेट लेकर उसकी भी बिरयानी खा लेता है। बाद में, माफ कीजिए, भूख लगी थी, खा के 2 दिन हो गए, मैं हाथ धोकर आता हूँ, बिरयानी बहुत बढ़िया बनी थी, कहकर हाथ धोने जाता है। देखा परिमला, हमें शक ना हो इसीलिए इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, जानबूझ के सारी बिरयानी खा ली उसने। जमींदार बाबू को बिस्तर दिखाकर, बेटा आज रात के लिए आप यहाँ आराम से सो जाइए, कुछ जरूरत पड़े तो पूछ लीजिए। रोज जमीन पे सोने वाले बाबू को उस बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी और वो इधर उधर घूमने लगा। ये सब खिड़की में से देख धनवान, ओहो, इससे भी मुलायम बिस्तर पे सोकर अब यहाँ नींद नहीं आ रही होगी, इतने मुलायम बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है, माने तुम पक्का अमीर हो, सोचकर चला जाता है। बाद में बाबू जमीन पे सो जाता है। अगले दिन करोड़पति ने खाने पे बढ़िया बिरयानी बनवाई। बाबू ने पूरी बिरयानी चाट के रख दिया। इस बार दूसरे बड़े बिस्तर पे सो गया। धनवान खिड़की में से देखकर, देखा कितना मग्न होके सो रहा है, बिना देर किए तुरंत शादी का इंतजाम करना होगा, सोचा। अगले दिन, बेटा आपकी आदतें मुझे बहुत पसंद आई है, मेरी बेटी को भी आप बहुत पसंद आए हो, आपको आपत्ति नहीं है तो आप मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या बात कर रहे हो आप, आपके और मेरी स्थाई में बहुत अंतर है, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बेटा, आप कहाँ और हम कहाँ, कृपया मान लीजिए कल ही आपकी शादी होगी, प्लीज मना मत कीजिए, कहकर उसके हाथ पकड़ता है। बाबू उलझन में आकर शादी के लिए मान जाता है। ऐसे दोनों की शादी हो जाती है। वैसे बाबू थोड़े दिनों तक अपने बीवी के बनाए हुए बिरयानी का आनंद उठा रहा था। एक दिन बीवी, सुनिए प्लीज आप ये नाटक बंद कीजिए, मेरे पिताजी ने पैसों की लालच में आपसे शादी करवा दी, आपको एक करोड़पति का बेटा समझ रहे हैं, वो सच है ना? हाँ, तुम्हारे पापा ठीक बोल रहे हैं, मैं विक्रमपुरी के जमींदार का बेटा हूँ। फिर देर किस बात की, चलिए जाते हैं हम आपके घर, आपके माँ बाप काफी परेशान होंगे आपके लिए। अगले दिन ससुर और बीवी के साथ वो जमींदार के घर पहुँचता है। घर को बाहर से देखने लगता है। क्या दामाद जी, खुद के घर को ऐसे देख रहे हो, चलिए अंदर चलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, मेरा बेटा तो बचपन में ही खो गया था, अब तुम मेरे बेटे हो ये मैं कैसे मानूं? मेरे खबर के अनुसार सिंहपुरी के जमींदार का बेटा ऐसे घूम रहा है, आपने लापरवाही की है, जाइए। ये अन्याय है, मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो गया है, कमीने, कहकर डांटने लगा। इतने में जमींदार का सलाहदार और एक आदमी वहां पहुंचते हैं।
जमींदार साहब, ये दुनिया का बहुत मशहूर चित्रकार है, और तो और वो बचपन का फोटो देखकर बोल सकता है कि वो आदमी बड़ा होके कैसे दिखेगा। आपके बेटे का फोटो दिखाकर चित्र दलवाएंगे, उस चित्र के सहारे आपके बेटे का पता लग जाएगा। वो सुझाव जमींदार को पसंद आने पे वो हाँ बोलता है। ऐसे बचपन का फोटो देखकर वो चित्र डालने लगा। उसके पूरा होने पर वो बिल्कुल बाबू की तरह दिख रहा था। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। जमींदार की बीवी बाबू के हाथ पे निशान देखकर, सुनिए, ये हमारा ही बेटा है, भगवान ने हम पे रहम काया है, बेटा कैसे हो बेटा, कहकर खुश हो रही थी। तुम्हारा नाम आनंद बाबू है, दुर्गा माता के मंदिर के पास खो गए थे तुम, मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि तुम वापस आओगे। पापा, माँ, मेरे गांव वाले बोलते थे कि मैं मंदिर के पास खो गया था, मुझ जैसे अनाथ को आपका मिलना बहुत खुशी की बात है। ससुर जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने सोचा कि आप सब कुछ जान के ही शादी कर रहे हो, मुझे माफ कीजिए। दामाद जी, आप ही मुझे माफ कीजिए, पैसों की लालच में ये सब किया मैंने, जो भी हो मेरी बेटी की शादी एक करोड़पति से हुई है, वो काफी है मेरे लिए, कहकर खुश होता है। तब से आनंद बाबू अपना जीवन खुशी और आराम से जीने लगता है। गरीब वर्सेस अमीर का एयर कूलर। एक गांव में प्रताप सिंह रूप सिंह नाम के पड़ोसी रहते थे। प्रताप सिंह बहुत धनवान आदमी था और रूप सिंह बहुत गरीब था। प्रताप सिंह रूप सिंह को अपने साथ बहुत नीचे देखता था। जब भी कोई अवसर या मौका मिलता तो प्रताप सिंह अपनी अमीरी का फायदा उठाता था। प्रताप सिंह के दो बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। रूप सिंह के भी दो बच्चे थे, बंटी और बबली। प्रताप सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद था, फिर भी रिंकू और पिंकी बंटी बबली के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, हमेशा मिलजुल कर रहते थे। फिर कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम शुरू हुआ। उस साल की गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। प्रताप सिंह ने तुरंत उसके घर पर सारे कमरों में एसी लगवा दिया। रिंकू और पिंकी बहुत खुश हुए। सब कमरे में एसी होने के कारण घर में बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वे घर से बाहर ही जाना बंद कर दिए थे। एक दिन बंटी और बबली उनके घर जाकर, रिंकू और पिंकी आ जाओ, हम खेलते हैं। हे भगवान, बाहर तो बहुत गर्मी है, हम नहीं आएंगे, तुम लोग ही आ जाओ, अंदर यहाँ खेलेंगे। फिर बंटी और बबली ठीक है कहकर खेलने लगे। तभी प्रताप सिंह आया और कहा, क्या है ये, आप लोग हमारे घर में आने की इतनी हिम्मत, हमारे घर में पूरे एसी लगाए हुए हैं, इन लोगों को एसी वाला कमरे में रहने का औकात ही नहीं है, जाइए यहाँ से। फिर बंटी और बबली रोते हुए घर चले गए। और जब रूप सिंह शाम को घर आया तब रोते हुए, डैडी हमको भी एसी चाहिए, तभी रिंकू और पिंकी हमारे साथ खेलेंगे। मत रो बच्चों, हमारे लिए मैं खुद एसी तैयार करूंगा। अगले दिन रूप सिंह खेत से अच्छा बांस और कुछ लकड़ी लेकर आया। उसके बाद पानी का बल्ब तैयार किया, उसमें पुराना फैन लगाकर एक बढ़िया सा कूलर तैयार किया। बंटी और बबली उसको देखकर बहुत खुश हुए। वे लोग जब भी बहुत गर्मी होती थी तब उसके सामने बैठते थे और फिर गर्मी कम होने के बाद बाहर खेलते थे। लेकिन रिंकू और पिंकी उनके साथ खेलने नहीं आते थे तो उन्हें उस बात का दुख रहता था। लेकिन प्रताप सिंह को उसके बच्चे बंटी और बबली के साथ खेलने नहीं जाते थे ये सोचकर वो बहुत खुश रहता था। एक दिन प्रताप सिंह की बीवी, देखिए जी, हमारे बच्चे एसी में रह रहकर बाहर ही नहीं जा रहे, उसकी वजह से उनको रोग हो जाएगा, आप उनको थोड़ा कहिए जब बहुत गर्मी हो तब एसी में रहे और शाम को जब गर्मी कम होती है तब बाहर खेलने के लिए कहिए। अरे वो झोपड़ी वालों के साथ खेलना ही बड़ा सा रोग है, तुम चुप रहो। फिर प्रताप सिंह अगले दिन अपने बच्चों के लिए मार्केट में से वीडियो गेम्स खरीद कर लेकर आया। उसके बाद रिंकू और पिंकी वीडियो गेम्स खेलने के चक्कर में खाना खाने के लिए भी एसी रूम से बाहर आना ही बंद कर दिए। फिर कुछ दिनों बाद रिंकू और पिंकी को एक अजीब सी बीमारी हो गई। कितनी बार डॉक्टर को दिखाया और कितनी दवाया लेने के बाद भी कुछ सुधार नहीं आया। प्रताप सिंह बहुत डर गया
और बच्चों को बड़े से अस्पताल में लेकर गया। वहाँ पर डॉक्टर सब बातें सुनने के बाद, सुनिए, बढ़ते हुए बच्चों को अच्छा सा धूप और हवा की जरूरत होती है। ये लोग रोज यूं एसी में रहने के कारण ऐसी आदतों की वजह से यूं बन गए हैं। इन बच्चों को पहले एसी रूम से बाहर निकालिए, तभी इनकी सेहत ठीक होगी, कहकर दवाई देकर भेज दिया। फिर प्रताप सिंह घर आते ही घर के पूरे कमरों से एसी निकलवा दिया। लेकिन इतने दिन एसी की आदत होने की वजह से रिंकू और पिंकी गर्मी को सह नहीं पा रहे थे और रोना शुरू कर देते थे। तब प्रताप सिंह को उसके घर के बगल में रूप सिंह का बनाया हुआ एयर कूलर याद आया। तभी जल्दी से रूप सिंह के घर जाकर, मुझे अर्जेंटली तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे एसी खरीदने की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं। अभी एसी निकालने की वजह से बच्चे गर्मी को सह नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं। तुम्हारी एयर कूलर को देखकर वो रोना थोड़ा कम कर दो ना प्लीज। रूप सिंह तुरंत ही उसका कूलर को प्रताप सिंह के घर लेकर गया। प्रकृति से प्राप्त किए हुए सम्मान से बनाया वो एयर कूलर की हवा की वजह से कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। अगले दिन रूप सिंह ने एक कूलर तैयार करके प्रताप सिंह को दे दिया। फिर थोड़े दिन के बाद रिंकू और पिंकी की तबीयत ठीक हुई और वे बंटी बबली के साथ खुशी से खेलने लगे। फिर प्रताप सिंह रूप सिंह के पास जाकर, मुझे माफ कर दो, इतने दिन पैसे ही सब कुछ होता है ये सोच रहा था, लेकिन उसके वजह से ही मेरे बच्चों को बीमार कर दिया। तुम्हारा प्राकृतिक कूलर का आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा, हम ऐसे कूलर तैयार करके देश भर में बेचेंगे ना। वैसे ही रूप सिंह और प्रताप सिंह मिलकर प्रकृति का सम्मान से बनने वाला कूलर का कंपनी शुरू किए। वो कूलर देश भर में बहुत बिकने लगा। रूप सिंह भी बहुत जल्दी अच्छी जगह में बड़ा सा बंगला बना लिया। फिर रिंकू, पिंकी, बंटी, बबली सब मिलकर अच्छे से खेलते हुए खुशी खुशी रहने लगे।